लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दिव्यांगत पंचायत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत शिक्षक संघ बुधवार से बूढ़ापारा धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा है। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्ता आने से पहले अनुकंपा संघ से वादा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियमों में शिथिलीकरण करते हुए अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करेंगे, किंतु दुर्भाग्य से ये सरकार अब तक अपने वादों पर अमल होते नहीं दिख रही, जिसकी वजह से मजबूरन पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ ने अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया है। संघ की अध्यक्ष माधुरी मिर्गे से चेतावनी भी दी है, समय रहते सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो आने वाले दिनों में संघ विधानसभा का घेराव कर चक्का जाम करेगी, साथ में महिलाएं अपने मुंडन भी करवाएंगी। सर, मैं माधुरी मिर्गे जिला राजनांदगांव से हूँ। मेरे जितने भी प्रदेश के लोग हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी अनुकंपा नियुक्ति की को लेकर। हमारी दिवंगत पंचायत शिक्षक के आश्रित हैं हम, और हमारी बस एक ही मांग है कि हमको नियमों को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करवाना है मुख्यमंत्री जी से। और जो हमारे मई में जो आदेश जारी हुआ है, लोकल बॉडी, दिवंगत लोकल बॉडी के परिजन जिनको अनुकंपा नियुक्ति नियमों को शिथिल करते हुए प्रदान की गई है, वही हम मांग कर रहे हैं कि हम भी उनका एक हिस्सा है। दिवंगत पंचायत शिक्षक जिनका संविलियन नहीं हुआ था तो हम भी उनके हिस्से हैं, हमको भी योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, कर्जो निवेदन कर रहे हैं, और हम इतने परेशान हो गए हैं। अभी कोरोना काल में हम लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई है, हम हताश हो गए हैं, हम बच्चों को किस तरह से पाले सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इसीलिए हम यहाँ रायपुर में बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल का रखे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, यही मांग है हमारी। सर, हमारी रणनीति अब आगे में, सर विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम करेंगे, और इससे भी अगर मुख्यमंत्री जी नहीं पिघलेंगे तो फिर महिला लोग मुंडन करवाएंगे, ये हमारी मांग है। मैं अमर कुमार गुप्ता, जशपुर जिला जिलाध्यक्ष अनुकंपा पीड़ित परिवार संघ। आज हम अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब रायपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, क्योंकि भूपेश सरकार चुनाव पूर्व हमसे वादा भी किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी आप लोगों की मांग पूर्ण कर दिया जाएगा, किंतु आज पर्यंत तक हमारी मांग पूर्ण नहीं की गई है, और जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं की जाती हम अपनी अनुकंपा संघ को लेकर बूढ़ा तालाब रायपुर में अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार हमारी परिजनों की परिजन कार्य करते करते अपनी प्राणों की आहुति दे दिए, यदि हमारी मांग सरकार पूर्ण नहीं करती है तो हम भी अनवरत हड़ताल करते करते अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे, किंतु जब तक मांग पूर्ण नहीं की जाती तब तक अब हम पीछे नहीं हटेंगे, और आगे विधानसभा की सत्र होने वाली है उसका भी घेराव करेंगे, यदि मांग हमारी पूर्ण नहीं की जाती है तो मुख्यमंत्री भवन की भी घेराव करेंगे जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं की जाती है।